फाइनली दोस्तों, इंडिया के बिगेस्ट डायरेक्टर SS राजामौली सर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एगा यानी मक्खी के सीक्वल से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एगा मूवी तो देखा ही होगा, जिसको हिंदी में मक्खी नाम से रिलीज किया गया था। जिस फिल्म के रिलीज के बाद से ही SS राजामौली सर को ऑल इंडिया लेवल पे पहचान मिली थी, क्योंकि यह फिल्म जब रिलीज हुई थी उस टाइम के हिसाब से इस फिल्म का VFX बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और सबने इस फिल्म को खूब सारा प्यार दिया था। और यही वजह है कि इस फिल्म के अगले पार्ट एगा 2 यानी मक्खी 2 को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है। सुनने में आया है इस बार इस फिल्म में पैन इंडिया स्टार रामचरण लीड रोल में नजर आएंगे। तो अगर आप भी रामचरण को इस फिल्म में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एगा 2 अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे बाहुबली और RR के डायरेक्टर SS राजामौली सर, जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। वहीं सुनने में आया है इस फिल्म में रामचरण लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म में रामचरण के साथ सामंथा रूथ प्रभु भी लीड रोल में नजर आएंगी, क्योंकि सामंथा रूथ प्रभु इस फिल्म के पहले पार्ट में भी नजर आए थे। बात करें इस फिल्म के स्टोरी की, तो इस फिल्म की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे इस फिल्म के पहले पार्ट की स्टोरी खत्म हुई थी। लेकिन इसके साथ ही इस फिल्म की स्टोरी एक साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड होगी, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। बाकी इसके आगे की कहानी के लिए इस मूवी का इंतजार करना होगा। वहीं बता दूं कि यह एक बिग बजट मूवी होने वाली है, जिसे SS राजामौली सर बहुत बड़े स्केल पे बनाएंगे। इसके साथ ही यह भी बता दूं कि यह एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जिसे तमिल तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को मक्खी 2 नाम से रिलीज किया जाएगा। अब बात करें इस फिल्म की रिलीज की, तो अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन एक सूत्रों से पता चला है कि मेकर्स जल्द ही इस फिल्म से जुड़े कुछ न कुछ अपडेट रिलीज करेंगे। लेकिन तब तक हम लोग इस फिल्म का सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं और हो सकता है यह फिल्म हम लोगों को 2025 तक देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स करके बताएं। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।